हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुरसी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ये सिंपल सा ऑफिस मेकअप यूज लेकर आई हूँ जो आप एवरीडे आराम से कर सकते हैं। और इस पूरे लुक को करने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे हैं और इसमें मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स का यूज किया है और वो सारे ही प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो 250 रुपीज से अंडर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल और इजी बीजी मेकअप है। आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं पॉन्स की बीबी क्रीम ले रही हूँ, व्हाइट ब्यूटी बीबी क्रीम, और ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है। इसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी एंड आई विल यूज माई फिंगर ओनली इसको अपने फेस पे लगाने के लिए। ये फेस के लिए बहुत अच्छी भी होती है, इससे अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। मुझे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगती है और ये सभी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है ये वाली क्रीम। और अपने हाथों से फिंगर से डैब डैब करके पहले पूरी क्रीम को मैं अपने फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ और उसके बाद फिंगर्स की मदद से ही अच्छे से उसको पूरा ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे ताकि कोई फाइन लाइन्स ना रहे। अंडर आई के लिए भी एज ए कंसीलर भी मैं इसी बीबी क्रीम को ही मैं इसका सेकेंड कोट लगा रही हूँ जो कि मेरे अंडर आई इसे कवर हो जाए और फिंगर्स की मदद से ही मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आप जब भी अंडर आई में कोई भी कंसीलर या क्रीम लगाएं हमेशा इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में लगाएं और इसको अच्छे से, ये स्प्रेड भी बहुत अच्छे से होती है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होती है हमारे फेस में। सो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग इट ऑन माय फेस। अब बारी आती है हमारे ये मेबेलिन सुपर फ्रेश वाइटनिंग परफेक्टिंग कॉम्पैक्ट की, और इससे मैं अपना जो मैंने ये क्रीम लगाई है इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कोई जैसे पसीना ना आए ज़्यादा या फिर थोड़ा सा फेस जो है अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और भी अच्छे से मैटिफाइंग इफेक्ट आ जाए फेस पे, जिससे ये एकदम से सेकेंड स्किन लगे हमारे फेस की। अब मैं लैक्मे एनरिच सैटिन लिपस्टिक ले रही हूँ और इसी की मदद से मैं इसको एज अ आई शेडो यूज करूंगी। यस, इसको आई शेडो की तरह मैं यूज कर रही हूँ और ये बहुत ही पिंकी सा, बहुत ही क्यूट सा शेड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको आईज में जस्ट एज अ, मैं एक ही आई शेडो की तरह से आपको थोड़ा सा पिंकी टच देने के लिए मैं अपने आईज में इसको लगाऊंगी बिकॉज मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद बारी आती है मेरे लैक्मे 9 to 5 लाइनर की। ये भी बहुत अच्छा आईलाइनर है और इसको मैं अपने आईलेट के ऊपर भी लगा रही हूँ और इसी लाइनर को मैं एज अ काजल भी लगाऊंगी। सो दिस विल वर्क द बोथ द वे। सो मोस्टली इस मेकअप ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि एक प्रोडक्ट के हम कितने यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर हेयर टू। वैसे भी सुबह टाइम होता नहीं है ज़्यादा तैयार होने का हमारे पास, तो कम समय में ज़्यादा काम करें। आप देखिए आई लाइनर लगाने के बाद ही आईज कितना चेंज आईज में आ गया है, रियली बहुत डिफरेंट है। अब इसी लिपस्टिक को लेकर मैं एज अ ब्लश भी लगा रही हूँ जिससे एक नेचुरल पिंक टिंट हमारे चीक्स पर आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा क्योंकि ये लिपस्टिक का शेड सच में बहुत अच्छा है। इस लिपस्टिक का शेड है 173 और ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी ओवर ना लगे मेकअप। आई मेक श्योर कि ऑफिस पर्पस के लिए जब भी मैं मेकअप करूँ तो वो बहुत ओवर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, वही अच्छा लगता है। अब बारी आती है फाइनली हमारे लिपस्टिक लगाने की। अब आप देख सकते हैं शेड कितना अच्छा है, आई एम जस्ट इन लव विद दिस शेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो मेकअप है ये पूरा हो गया है, फाइनल टच मैं दे रही हूँ इसमें। डन डन, मेकअप इज डन, दिस इज माय फाइनल लुक। और ये वाला लुक ही जनरली है जो मैं अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए लगाती हूँ और बहुत ही सिंपल लुक है, सटल है बट उतना ही एलिगेंट भी लगता है और बहुत ही इजी है इसको करना। टोटल मेकअप को करने को आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ही कम टाइम लगा है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मेरी फोटो पे क्लिक करें। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।